आज हम लोग शिव जी की पूजा करने जा रहे हैं। शिव जी के स्वरूप में एक स्वयं साक्षात सदाशिव हैं और उनका प्रतिबिंब शिव स्वरूप। ये शिव का स्वरूप हमारे हृदय में हर समय आत्म स्वरूप बनके स्थित है। ये मैं नहीं कहूंगी कि प्रकाशित है। जब कुंडलिनी का जागरण होता है तो ये शिव का स्वरूप प्रकाशित होता है और वो प्रकाशित होता है हमारे नसों में। चैतन्य के लिए कहा मेदे स्थिति, प्रथम इसका प्रकाश हमारे मस्तिष्क में, ब्रेन में पहली मर्तबा हमारा हृदय का और हमारे मस्तिष्क का या ब्रेन का योग घटित होता है। नहीं तो सर्वसाधारण तरह से मनुष्य की बुद्धि एक तरफ और उसका मन दूसरी तरफ दौड़ता है। इस योग घटित हो जाने से जो प्रकाश हमारे अंदर आत्मा से प्रकटित होता है वो चैतन्य स्वरूप बन के हमारे हाथों से और तालु से प्रवाहित होता है। ये तो आप लोग सब कुछ जानते हैं, पर आगे की बात समझने की यह है कि जब ये प्रकाश हमारे अंदर आता है तो धीरे धीरे हम देखते हैं हमारी जिंदगी बदलने लगती। हमारे अंदर का क्रोध और अनेक जो हमारे षड्रूपी हैं वो खत्म होने लगता है। धीरे धीरे सब चीजें गिरती जाती है और मन में श्रद्धा प्रस्थापित होती है। श्रद्धा में जाग बुद्धि जागृत होती है, किसी भी चीज का महत्व नहीं रह जाता। अब शंकर जी की जो हमने एक आकृति देखी है, एक अवधूत पहुंचे हुए एक बहुत कोई अवलिया हो उस तरह के होते, उनको किसी चीज की सुध-बुध नहीं। बाल बिखरे हुए हैं, जटाजूट बने हुए हैं, कुछ नहीं तो बदन में कौन से कपड़े पहने क्या करें इसका कोई विचार नहीं। ये सब काम उन्होंने नारायण को, विष्णु को दे दिए। वे स्वयं मुक्त व्याघ्र का चर्म पहन करके घूमते हैं और इनकी सवारी भी नंदी की है जो किसी तरह से पकड़ में नहीं आ सकता। कोई घोड़े जैसा नहीं जिसमें लगाम हो कुछ, जहां नंदी महाराज जाए वहां शिव जी चलेगा। उनको किसी चीज में कभी भी ये ख्याल नहीं आता कि लोग क्या कहेंगे, दूसरों का क्या विचार होगा। हम घर ऐसे कपड़े पहन के
और नंदी पे बैठ करके इधर उधर भटके तो लोग हमें क्या कहा, क्योंकि वो अपने ही अंदर समाये हुए, अपने ही खुशियों में बैठे हुए हैं, उनको कोई भी संसार से ये मतलब नहीं है कि दुनिया हमें क्या कहेगी। लोक लाज क्या होती है ये तो इनके विवाह में भी आपने वर्णन सुना होगा कि जब ये विवाह करने आए तो विष्णु, श्री विष्णु ने जब देखा तो उन्होंने सोचा ये क्या दूल्हा मेरे बहन के लिए आया है बेकार का, से कैसी मेरी बहन शादी करे। लेकिन पार्वती जी जानती थी कि उनके योग्य यही पति, जो एक मस्त मौला आदमी, किसी चीज की उनको कदर नहीं। सब चीजों से जब आदमी ऊपर उठ जाता है तो उसके लिए सब चीज एक किंचित पदार्थ हो जाते, उसका ध्यान इस ओर नहीं जाता। ये शिव जी का जो अवतार हम लोग देखते हैं बहुत हमें प्यारा लगता है, मोहक लगता है, और सब लोग सोचते हैं कि शिव जी का सारा ही काम कुछ तो भी विशेष। लेकिन जब सहयोगियों में शिव जी का प्रकाश आता है तो उनका भी जीवन बदलने लग जाता। मैंने देखा है कि इससे पहले कि सहयोग में आए, औरतें भी आदमी भी बहुत सज धजना पसंद करते थे, सारा ध्यान इसी में रहता था कि आज क्या पहने कल क्या पहने। और आजकल तो इसका प्रादुर्भाव बहुत हो गया है क्योंकि सब जगह बहुत सारे ब्यूटी क्लिनिक निकल आई हैं, ये है वो है, तो औरतें इसमें बहुत फंसी। पर जब अंदर से निखार आपके सौंदर्य क्या इस प्रकाश से आता है तब इन सब चीजों का कोई महत्व नहीं है। उसी तरह आराम, आराम भी एक तरह से आत्मा का ही आराम मनुष्य कोशता है। अपने आराम से दूर रहता है। इसमें जो परदेसी लोग हैं इनको देखिए, ये बड़े बड़े घरों में रहते हैं, इनके पास मोटरें हैं, सब कुछ रईस हैं, पर यहाँ आते हैं तो हर जगह समाये रहते हैं। लेकिन हिंदुस्तानियों का ये हाल नहीं, हिंदुस्तानी अब भी जहाँ जाते हैं उनको बाथरूम चाहिए अटैच्ड, पता नहीं और दुनिया भर की चीजें, अभी तक इससे उठ नहीं पाया। स्वभावतः मुझे आश्चर्य होता है कि अपने गरीब देश में भी लोगों में अभी काफी कामनाएं बची, बड़ी आश्चर्य की बात है। अभी लोगों ने कहा कि माँ एक आश्रम के लिए बड़ी सी जगह ले लो, हमारे हिंदुस्तानी कभी आश्रम में रहते नहीं। अभी ये आश्रम हम लोगों ने लिए जब बनाया कि मेहनत से खर्चा करके, इसमें रहने के लिए कोई तैयार नहीं। हमने कहा बाबा हम तुमको तनख्वाह देते हैं तुम रहो, नहीं तैयार। मेरा जो जन्म स्थान है छिंदवाड़े में, उस घर के लिए इतना रुपया पैसा खर्चा किया, और मैंने कहा जो रिटायर्ड हो गए वहाँ रहें, बड़ी अच्छी आबो हवा है, हिल स्टेशन है, कोई तैयार नहीं। सब अपनी आराम के सोचते हैं। इन लोगों में बात नहीं है, ये लोग आश्रमों में बहुत सुख से। मेरा घर, मेरी जगह, मेरी बीबी, खाना बनना चाहिए इस तरह से, यही खाना खाएंगे। हम लोग इतने स्वाद में उलझे हुए हैं। इन लोगों में ये स्थिति नहीं, हिंदुस्तानी खाना भी शौक से खाते हैं। लेकिन मुझे मालूम है जब हिंदुस्तानी आते हैं कबेला तो अपनी रोटियां पराठे वराठे बांध के लाते हैं, अचार वचार लेके आते हैं, क्योंकि उनके जीभ से नहीं उतरेगा, अभी तो जीभ में ही सब फंसा हुआ है। सो ध्यान करने से
जब तक ये चीजें छूटेंगी नहीं तो आप धर्म से परे नहीं जा सकते। एक छोटी सी बात समझने की है कि त्याग में भी हम लोग कम पड़ जाते हैं। इस बार इन्होंने कहा कि मां आप इतनी बड़ी जमीन ले रहे हैं, इतना खर्चा करें तो पूजा के लिए थोड़ा सा ज्यादा पैसा करता। न जाने कितनी चिट्ठियां मेरे पास आए कि आप पूजा का पैसा कम कर दीजिए, पूजा का पैसा कम कर दीजिए, पूजा। अरे भाई, एक बार दिल्ली में ये पूजा हो रही, उसमें भी चिट्ठियों पे चिट्ठियां, पूजा का पैसा, पान खा करके लोग फेंक देंगे लेकिन पूजा में जरूरी पैसा नहीं। आपसे कभी हमने कोई पैसा नहीं लिया, सारी चीजें अपने ही दम पर सब करी है, लेकिन इतना सा भी कहते ही देखिए आज आधा मंडप खाली। क्यों? क्योंकि पूजा का पैसा नहीं देना। और फोन करते हैं कि हमारा पूजा माफ कर दीजिए, हमारा पूजा। अरे भाई, कोई आप कम नौकरी हो ऐसा नहीं, हमारे पति देंगे, मैं नहीं दूंगी। मुझे बहुत आश्चर्य होता। अभी अगर कोई पावगढ़ गुरु होते तो आप लोगों को सबके बाल मुंडा करके और आपको गेरुआ वस्त्र पहना के सर के बल खड़े करते, लेकिन मैं ये नहीं चाहती, क्योंकि सहज की बात है, सब चीज सहज में आना चाहिए। हमने बहुत लोगों को त्याग करते अपने जीवन में देखा, पर आजकल लोगों में वो मैंने देखा नहीं। हमारी माँ का मुझे मालूम है कि 6 साड़ियों से 7वीं साड़ी उनके पास हो जाए तो दे डाल दी। और वहां भी लोग आते हैं कबेला में तो आश्चर्य होता है कि उनको अलग से कमरा चाहिए, अलग से घर चाहिए, अलग रहेंगे, सबके साथ मिलके नहीं रह सकते। जो सबके साथ मिलके रह नहीं सकता वो सहयोगी नहीं, वो अभी भी सोचता है कि मैं कोई विशेष हूं, मेरा अलग सब इंतजाम होना चाहिए। वो सहयोगी हो नहीं सकता, वो नाम मात्र को सहयोगी। जो शंकर जी का भक्त है उसको शंकर जी जैसे होना है। कहीं भी सुला दो, कहीं भी बिठा दो, कुछ भी खाने को दो, कोई किसी से मतलब नहीं, कोई टाइम की पाबंद नहीं, कोई चीज की मांग नहीं, ऐसा ही आदमी हम कह सकते हैं सहयोगी है। और शिव जी का आपके अंदर प्रादुर्भाव होगा। लोग तो इसको प्राप्त करने से ही पहले न जाने क्या क्या करते हैं। और किसी भी पद्धति में आप जाइए तो आपके सारे पैसे नोच लेंगे, बाल नोच लेंगे, पता नहीं क्या क्या करें। ऐसा सहयोग भी नहीं, लेकिन ये वृत्ति जो हमारे अंदर अब भी बनी हुई है इसको छोड़ना चाहिए। ये प्रयत्न करना चाहिए कि हम क्या क्या चीज छोड़ सकते हैं। जब तक ये मस्ती आपके अंदर नहीं आएगी तब तक आपको शिव जी के भक्त नहीं कह सकते। माता जी के तो हर तरह के भक्त हैं, उसकी कोई विशेषता तो है नहीं, हर तरह के भक्त है, चाहे जो भी करें। चलो माँ ही है, माँ माफ कर देती, पर माफ कर देने से आप उस पद को प्राप्त नहीं कर सकते। माफ करने की बात सबसे बड़ी यह है कि शिवजी से हर समय माफी मांगनी चाहिए, हर समय क्षमा मांगनी चाहिए, क्योंकि पक पक पर हम ऐसे काम करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। उनसे क्षमा मांगनी चाहिए कि हे शंभो हमें क्षमा कर दो, हम ये गलती करते हैं, वो गलती करते हैं, हमारे अंदर ये जरूरतें हैं, हमारे अंदर वो जरूरतें हैं, हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए। जब तक चाहिए अपने अंदर है तब तक आप परमात्मा से क्षमा मांगें। और ये मेरा, मेरा घर, मेरी बीबी, इस तरह की एक अधिकार की भावना जो हमारे अंदर है, इसको जब हम नहीं तोड़ सकते तो हम शिव जी के भक्त हैं। इस मामले में आश्चर्य की बात है कि प्रदेश के लोगों ने तो इतना पा लिया, जिन्होंने कभी सुना भी नहीं था शिव जी का नाम, और हम लोग अब भी उसी में चिपके हुए हैं।
और उसी को इतना मानते हैं। शिव होने का मतलब यह है कि सर्वथा दुनिया भर की जो हमारे अंदर लोलुपता है, जो हमारे अंदर नफरत, जो हमारे अंदर दुष्टता है, उसको छोड़ना। पर मनुष्य सहयोग पे आने पर भी अपने को देख नहीं पाता। मैंने सुना एक सास है अपने बहू को सता रही, और मैंने कहा तुमको क्यों सता रही? कहा मैंने कभी सताया ही नहीं। अच्छा, सिनेमा में जाएंगे देखेंगे कोई सास बहू को सता रही तो रोएंगे वही, और घर में आके बहू को सताएंगे या बहू सास को सता, लेकिन कहेंगे मैंने कभी किसी को सताया ही नहीं। इस तरह के एक झूठ को अपने आवरण में रख के सहयोग में आप उठ नहीं सकते, क्योंकि यह आपकी जिंदगी बदल देगा। इससे तो आपका सोना हो गया, और सोने पे कोई कलंक लग ही नहीं सकता, उस पे कोई चीज चढ़ ही नहीं सकती। वो अब आप हो गए हैं, उस स्थिति को प्राप्त करें। अब भी क्यों ये गुलामी दुनिया भर की चीजों की होनी चाहिए? यही कुंडलिनी का वैशिष्ट है कि ये आपको पूरी तरह से सफाई मिला। सेवा, हाँ भाई सेवा भी करना चाहिए, पर मुझे तो कोई आपकी सेवा खास चाहिए नहीं, मैं खुद ही मस्त मौला हूँ, मुझे क्या आप सेवा देंगे? सिर्फ ये है कि आप अपने अंदर ये मस्त मौलापन ले आए, एक आनंद में विभोर रहने पर ये सोचना चाहिए कि यह सब चीजें कुछ तो आनंद ही के लिए है, और वो आनंद हमको अगर मिलता ही है बगैर कुछ किया तो ये सब करने क्या। बहुत कुछ सोचने पर मैं इस नतीजे पर पहुंची हूं कि सहज जो है वो है तो बहुत सरल और इसीलिए बहुत कठिन है। अगर कोई डंडा लेके खड़ा हो और कहे कि अब चलो सब बाल मुड़ाओ, गिरवे वस्त्र पहनो, 14 दिन तक भूख हड़ताल, हो गया, उसमें ठीक हो जाते। पर जो सहज है उसको अपने हृदय से, अपने मन से, अपने बुद्धि से स्वीकार करके और उसमें अपनी ही ताड़ना करना, अपने ही को ठीक करना, मैं ऐसे क्यों करता, ऐसा मुझे करना चाहिए क्या, इसमें बहुत कुछ छूट जाएगा। और इससे एक तरह से आप अपने को पाइएगा कि आप समर्थ हैं, आपको कोई चीज की गरज नहीं, आपको कोई चीज की इच्छा नहीं, बस बैठे हैं आराम से। और आश्चर्य की बात है कि जब चैतन्य ये जानता है कि आपको कोई चीज की गरज है तो आपके सामने थाली परोस कर लाए, हो सकता है प्रलोभन के लिए, हो सकता है, फिर देखेगा आपको क्या है। कोई आपकी जरूरत ऐसी है ही नहीं जो पूरी नहीं कर सकता, पर इसमें थोड़े से लगन होनी चाहिए। आज शिव जी का हम लोगों ने इतना आवाहन किया हुआ, और उनको तो ऐसे लोग अच्छे लगते हैं। उनमें हमें यही फर्क है कि हमें सब तरह के लोग अच्छे लगते हैं, उनको नहीं। उनको ऐसे ही लोग अच्छे लगते हैं जिन्होंने ये सब व्याप छोड़ दिया, ये सब उपाधियां हमारे अंदर एक एक चीज में कि भाई कपड़े ऐसे पहने नहीं पहने तो क्या क्या हो जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ संन्यास बाह्य का नहीं माना जाता, अंदर से आप संन्यस्त हो गए, और संन्यस्त होने पर कोई भी चीज की कामना ही नहीं रह जाती, जहां आए वहीं मस्त। पहले नाथ लोग थे, वो भ्रमण करते थे, दुनिया भर में जाते थे, और उन्होंने बहुत कुछ लोगों को शिक्षा दी। मैं तो आश्चर्य हुई कि ये लोग कहाँ कहाँ पहुंचे थे। कोलंबिया मैं गई थी तो वहाँ पता हुआ कि बोलीविया में ये लोग आए थे। अब कोलंबिया में अगर आप जाएं
तो हवाई जहाज में ये चक्कर आने लगते, इतना ऊंचा है। और उस वक्त तो सब पैदल ही लोग जाते होंगे, तो ये गए कैसे होंगे ये समझ में नहीं आता। रशिया में, रशिया के और भी देशों में इनका भ्रमण हुआ। वो कैसे करते थे, कहाँ रहते थे, क्या पहनते थे, कुछ पता नहीं। जो कि वो दशा आ जाती है फिर कि आप एक चमत्कार पूर्ण इंसान हो जाते हैं। जैसे हम जानते हैं शिरडी के साईनाथ, वो कहीं भी उद्भव होता है उनका, कहीं भी आते हैं, कहीं भी किसकी मदद कर देते हैं। लोग कहते हैं कि माँ हमने तुमको देखा। हाँ देख सकते हैं, क्यों नहीं। ऐसे लोग अमर हो जाते हैं क्योंकि उनके मारने वाली जो वृत्तियां खत्म हो गई, फिर वो अमर हो जाते हैं। और यही अमरत्व को प्राप्त करना ही शिव जी की पूजा है।